हे नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पेज इंस्टाग्राम पे भी है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी हमने पेज बना लिया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने कमेंट में किया कि सर एक फिश काइट बना के दिखाइए, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको फिश काइट ही बना के दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह का एक तो डबल साइडेड न्यूज़पेपर ले लेना है, जैसे कि मेरे पास डबल साइडेड न्यूज़पेपर है, और एक इस तरह का सिंगल साइडेड न्यूज़पेपर लेना है फ्रेंड आपको। तो सबसे पहले ये सेंटर सेंटर टू सेंटर हम ज्वाइन कर देंगे इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ इस पर, ताकि ये सेंटर टू सेंटर यहाँ पर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए, पहले मैं इसको चिपका डालता हूँ ऐसे। तो मैं अपने टेप निकालता हूँ यहाँ से और इसको अब चिपका देते हैं। तो फ्रेंड, बड़े ही ध्यान से आपको चिपकाना है। पहले मैं साइड से चिपका देता हूँ इसकी, फिर हम उधर से भी चिपका देंगे इसको, और अच्छे से चिपका देना है आपको। तो फ्रेंड देखिए, इसको हमने फटाफट चिपका देते हैं, एक पहले यहाँ पर अच्छे से चिपका डालते हैं। थोड़ी टेप यहाँ लगा देता हूँ मैं अब। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब ये पूरी तरह से चिपक चुका है। तो देखिए, अब इस तरह की हमारे पास शेप आ जाएगी पूरी अखबार की, इस तरह की। तो चलिए, अब देखिए कटिंग किस तरह से करनी है, मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ अब। फिश काइट की कटिंग किस तरह से करनी है फ्रेंड, आपने बचपन में तो काफ़ी सारी फिशेज बनाई होंगी, जैसे कि हर कोई ड्राइंग बनाता है। हम क्या करते थे, यहाँ से शुरुआत करते थे, ऐसे ले जाते थे यहाँ तक ऐसे, और फिर ऐसे ले जाके यहाँ पर ऐसे। ये हमारी फ़िश की शेप थी, आपने बचपन में बहुत बार बनाई होगी। और बीच में हम क्या करते थे, यहाँ से इस तरह से निकाल के ऐसे निकालते थे। तो फ्रेंड फिर से देखिए, हमें क्या सबसे पहले तो इसी तरह के एक फ़िश की शेप देनी है, यहाँ से यहाँ, और ये पीछे से इस तरह से जब ऐसे, और बीच में क्या करते थे हम, इस तरह से हम निकालते थे। तो ये वैसे तो पीछे से थोड़ा सा हल्का इधर की तरफ होता है, इस तरह से ये ऐसे गोलाई में यहाँ पर। तो चलिए, मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कटिंग क्या थी, किस तरह थी। तो चलिए, और बड़े ही ध्यान से कटिंग करनी है, क्योंकि ये थोड़ी गोलाई में कटिंग है। तो चलिए, मैं इसको गोलाई में ही कटिंग कर देता हूँ इसकी थोड़ी। देखिए, बड़े ही ध्यान से कटिंग करनी है आपको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से थोड़ा कट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पोर्शन इसका, बड़े ही ध्यान से कट करना है आपको यहाँ से, ये इधर, और फिर इसको हम ले जाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, इस तरह से रोकना है हमें यहाँ पर जाके। अब पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं थोड़ी इसकी, ताकि हमें आसानी होगी। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारे पास फाइनली कटिंग आ चुकी है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिश की शेप अब आपको साफ तौर से दिखाई दे रही होगी। मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आपको फिश की शेप, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बैक व्यू भी दिखा देता हूँ इस चीज़ का, तो आप बैक में से भी अगर देखना चाहें तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बैक भी देख सकते हैं, फिश की शेप बिल्कुल आपके पास आ चुकी है। तो चलिए, अब इसको कंप्लीट कर देते हैं अपनी काइट को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रेट तिल्ला इस तरह से चाहिए होगा हमको, ऐसे यहाँ तक एक तिल्ला हमें यहाँ से इस तरह से चाहिए होगा, एक तिल्ला जो छोटा सा है इस तरह से यहाँ पर टेढ़ा चाहिए होगा। तो चलिए, अब जैसे कि फ्रेंड मैंने बताया था, मेरे पास ये पुरानी पतंगों के कुछ तिल्ले हैं यहाँ पर पड़े हैं, और ये मैंने तिल्ले दो तिल्ले जोड़ के बनाए हैं, दो पतंगों के गोल वाले तिल्लों को, ताकि ये और मजबूती मिल सके, थोड़े मजबूत हो सके। तो चलिए, इस तिल्ले का तो हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये यूज़ में आ जाएगा हमारा तिल्ला, बिल्कुल देखो एक्यूरेट आ रहा है एकदम आसान तरीके से। और इस तिल्लो को हम यूज़ यहाँ पर जोड़ के कर सकते हैं, या मेरे पास ये दूसरा तिल्ला है जिसे मैं यहाँ पर इसके साथ जोड़ देता हूँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, तो ये बात बन जाएगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं दोनों तिल्लों को जोड़ देता हूँ टेप के साथ। तो मैंने यहाँ पर टेप लगाई और हमने तिल्ले यहाँ पर इनको आपस में इस तरह से जोड़ दिया है।
चलिए मैं इसको काट लेता हूँ एक बार सीजर के साथ। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास ये जो तिल्ला था यहाँ का, ये तिल्ला हमारा हो चुका है रेडी। तो चलिए मैं इसको चिपका देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रखा इसको और यहाँ पर इसको चिपका डाला। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया और ये गोलाई में ही हमें नीचे की तरफ दबा देने हैं। तो थोड़ी टेप में और लगा देता हूँ ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी टेप और लगा दी है। चलिए एक टेप मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ अभी इसके, एक टेप मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देता हूँ अभी यहाँ पर। ये हमारा स्ट्रेट हो चुका है और यहाँ पर नीचे की तरफ टेप लगा दी है। अब थोड़ी सी टेप और लगा देते ताकि मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं थोड़ी सी टेप और लगा देता हूँ इस तरह से। तो अब ये शायद मजबूत हो चुका है। थोड़ी सी बीच में भी लगा देते हैं हम सेंटर में कहीं पर टेप। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सेंटर में भी मैंने टेप लगा दी है। थोड़ी और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड। तो देखिए एक तिल्ला तो हमारा हो चुका है रेडी जुड़ के ऑलमोस्ट। एक यहाँ पर भी टेप लगा देता हूँ मैं। चलिए फ्रेंड, अब बारी आती है इस तिल्ले की। इस तिल्ले को हमें ही बड़े ही ध्यान से इधर और यहाँ से यहाँ इस तरह से जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक पैर रख लेता हूँ एक जगह से, ताकि बिल्कुल सही से जुड़ जाए ये यहाँ पर। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से जोड़ना, ये यहाँ और ये यहाँ। तो फ्रेंड मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी तंगी ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको जोड़ देता हूँ एक बार। मैं थोड़ी टेप यहाँ ली और सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर इस जगह। मैं अब इसको रोक लेता हूँ पैर के साथ। अब मैं टेप लगाऊंगा इस जगह। पीछे की तरफ मोड़ दिया मैंने, फिर से मैं पैर के साथ इसको रोक लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लग चुकी है। अब उधर भी लगा देता हूँ मैं एक टेप ताकि बिल्कुल मजबूत हो जाए पहले। ये देखिए फ्रेंड, अब कोई चक्कर नहीं है, अब आराम से मजबूत हो गया। अब आराम से लगा सकते हैं हम टेप से इसके। एक टेप हमें यहाँ लगानी है इसके, एक टेप इधर लगानी है हमें यहाँ पर ऐसे। इसको पीछे की तरफ मोड़ देंगे। एक टेप फ्रेंड हमें यहाँ पर लगानी है इधर से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, और सेम वे में एक इधर लगानी है यहाँ से लेके। तो फ्रेंड ऑलमोस्ट हमारी काइट हो चुकी है रेडी। यहाँ पर बैक साइड आप देख सकते हैं, फ्रंट साइड देख सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ है हमारे पास, ये ऐसे हवा में उड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह के हमारे पास तिल्ले हैं कुछ छोटे छोटे, तो हमें यहाँ से यहाँ और सेम वे में यहाँ से यहाँ इस तरह के ये यूज़ करने हैं। तो चलिए मैं इसको भी चिपका देता हूँ जल्दी से। ये हमारा लग चुका है यहाँ पर और ये हमारा आ चुका है यहाँ। इसको हम थोड़ा बेंड कर देंगे पीछे की तरफ। और ये आ चुका है यहाँ। तो फ्रेंड अब ऑलमोस्ट हमारी काइट हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं बैक साइड भी इसकी और फ्रंट साइड से देख सकते हैं आप इसको किस तरह से ये नज़र आ रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से एक बार काइट लबर भी लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड, अब किस तरह से शेप आपको नज़र आ चुकी होगी।
तो चलिए फ्रेंड, अब बारी आती है इसके कन्ने कैसे डालने। तो फ्रेंड, कन्ने डालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे हम आम कम पतंग में डालते हैं, एक होल इधर करना है, एक होल इधर करना है, लेकिन इस केस में हमें एक हाथ नहीं बल्कि एक हाथ लेके और ये चार उंगल लेके एक होल यहाँ करना है, एक होल यहाँ करना है। तो फ्रेंड फिर से देखिए, यहाँ पर एक होल इधर, एक इधर और एक हाथ और इस तरह के चार उंगल लेके यहाँ पर जहाँ भी आता है आपको, एक होल इधर, एक होल इधर। चलिए इधर तो मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर टेप नहीं लगी है, और यहाँ पर टेप लगी हुई है तो इसलिए मैं यहाँ पर कैंची का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर सीजर का होल करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर होल हो चुका है हमारा, तो यहाँ भी होल हो चुका है। चलिए मैं जल्दी से इसमें कन्ने डाल देता हूँ। यहाँ मैंने डोर को डबल किया अपने, और ये थोड़ा सा यहाँ पर बांध दिया इसको। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम नीचे से यहाँ से निकालना, हमको यहाँ से लाए ऊपर से और यहाँ ले गए, और यहाँ पर जाके हमने इसको बांध दिया। तो सेम वे में अब दूसरी साइड से हमें क्या, एक साइड से हमने इधर से इसको निकाला, अब ऊपर से घुमा के लाए यहाँ पर और हमने इसको यहाँ पर बांध दिया। और ये बीच में सेंटर के लिए हमें अब सेंटर चाहिए, तो सेंटर के लिए अब हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ, तो ये सेंटर हमारा आ चुका है। तो फ्रेंड ये लो, हो गई है काइट रेडी पूरी तरह से अब। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और फ्रेंड जैसे कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया है कि लिंक दिए हुए हैं मैंने, इंस्टाग्राम के भी लिंक है वहाँ पर, फेसबुक के पेज का भी लिंक है हमारा वहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ वो भी आप लाइक करोगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।